नमस्कार, मैं हूँ शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जीएन भारत में कल जो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आपने साफ तौर पर देखी भी होगी कि रांची के मेन रोड में बहुत भयानक तस्वीर देखने को मिल रही। बहुत भयानक दंगा हुआ जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे झुंड के साथ पुलिस वाले पर ऐसा हमला बोला। आपको बता दें, SSP से लेकर CTSP, बड़े बड़े IPS अधिकारी तक घायल हुए हैं। थाना प्रभारी जो है उनका सर फट गया है। ये सारे एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाया है। इसके साथ ही किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, इतने लोग, अभी दो लोगों के मौत की खबरें भी आ रही है। अभी इसके साथ 18 से 25 लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि ये जितने भी दंगे आप देख सकते हैं, इस दंगे के बाद पूरा जो रोड है यहाँ पर पूरा सुनसान है। ये वो मेन रोड है जो इस समय, जब दोपहर के 12 बजे का हम आपको टाइम दिखा रहे हैं, 12 बजे ये मेन रोड खचाखच भरा रहता है। यू नो सिग्नल है, ये सिग्नल मुझे लगता है कभी शायद सोता होगा दोपहर के समय में, खासकर सुबह से रात तक ये सिग्नल बिल्कुल खचाखच भरा रहता है। लेकिन आज मेन रोड के एकदम रांची के बीचों बीच खड़े हैं, जो पूरे सुनसान हो चुका है, बिल्कुल शांत हो चुका है। और ये, लेकिन आपको हम बता दें कि ये शांत होने की वजह क्या है, इतने सुनसान होने की वजह क्या है, ये दंगा की वजह क्या है, जड़ क्या है आखिर क्यों? और सिर्फ झारखंड के रांची में ही नहीं बल्कि प्रयागराज, कानपुर, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे जगह पर भी दंगा हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सब जगह का एक बहुत खास बात है, टाइमिंग बहुत सेम है। जी हाँ, टाइमिंग जुम्मे की नमाज के बाद एक साथ सब जगह दंगा होता है। पत्थर लेकर गए थे नमाज पढ़ने की, क्या था वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पत्थरबाजी हुई। ऐसा लग रहा था सब प्लान है, स्ट्रैटेजिक है। अब आप समझिए कि ये सारा मामला पूरा इंडिया में क्यों हो रहा है, जड़ क्या, हम बताते हैं इसका जड़ आपको। बात ये है, आप सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए, बात 10 दिन पहले की है। बीजेपी के जो राष्ट्र प्रवक्ता है नूपुर शर्मा, जी हाँ, नूपुर शर्मा राष्ट्र प्रवक्ता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़ी हुई है, बहुत टैलेंटेड है वो मैडम जो है, उनको नेशनल, वो बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, पिछले 10 सालों से बीजेपी से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक टीवी डिबेट शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद, जो कि भगवान माने जाते हैं, मुस्लिम के भगवान है भी, उनके बारे में कुछ विवादित टिप्पणी की कर दी गई थी। सेंसर की वजह से हम आपको उतना डिटेल में नहीं ले जाएंगे, लेकिन एक विवादित टिप्पणी भगवान के बारे में की गई, जिसके वजह से सिर्फ इंडिया में मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि USA, कतर और जितने भी सऊदी अरब जो मुसलमान खाड़ी देश है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, वो भी बहुत भड़क गया। ऐसा आलम ईरान और इराक और UAE में आलम ऐसा हुआ कि जो बड़े बड़े मार्केट्स है, शॉप है, उनमें इंडिया के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग की गई और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट भी कर दिए गए हैं। नूपुर शर्मा का बयान इतना ज़्यादा तूल पकड़ा है कि बीजेपी ने उन्हें 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया। बीजेपी ने प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये नूपुर शर्मा का पर्सनल स्टेटमेंट है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, इसलिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम 6 साल के निलंबित कर देते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, उनके खिलाफ FIR भी हुआ, नूपुर शर्मा अंडरग्राउंड हो गई। लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो रांची में देखने को मिला। ये जड़ था असल में ये सारे दंगा का। आपको बता दें 10 तारीख, ये जो बयान था ये 10 दिन पहले ओवर हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पूरा प्री प्लान था, ये ताकि 10 तारीख को जुम्मे की नमाज को चुना गया ये सारे दंगा के लिए। नमाज अदा होता है, फिर निकलते हैं, फिर पत्थरबाजी होती है। पुलिस प्रशासन ने अपने तरफ से बहुत रोकने की कोशिश की गई, शांत करने की बहुत कोशिश की गई, बहुत पत्थरबाजी हुई। उस समय पुलिस प्रशासन ने अपना थोड़ा ढीला रवैया दिखाया। और लेकिन अभी हमने CP सिंह का हम आपको बयान दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस का जो यहाँ पर रोल है बहुत संदेह है, क्योंकि CM ऊपर से पुलिस के हाथ बांधे हुए थे, इसमें राज्य सरकार का हाथ है, ये CP सिंह का कहना है। किसका हाथ है, किसका हाथ नहीं, हम जजमेंटल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा काम है खबर दिखाना, डिसाइड करना आपका काम है। लेकिन जैसा आप जान सकते हैं, इसमें मेन जो जड़ है वो नूपुर शर्मा ही है, उनके बयान की वजह से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। साथ ही आप बने रहे जीएन भारत के साथ, और भी अपडेट के लिए हम आपको दिखाएंगे कि कल के दंगे के बाद आज का मेन रोड का स्थिति कैसा है और आज रांची की स्थिति क्या है, लोगों के लिए सेफ है कि नहीं। आगे अपडेट के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।